हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने कूल पैड कूल वन डुअल मोबाइल को आप 5.9 यूआई वर्जन में कैसे अपडेट करें। सबसे पहले मैं आपको इसका वर्ज़न दिखा देता हूं। मैं इसे अपडेट कर चुका हूं। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये कूल वन डुअल मोबाइल है और एंड्रॉयड 6.0.1 पे ही काम कर रहा है, लेकिन इसका ईयूआई वर्जन 5.9.026S स्टेबल है। ये अपडेट आपको अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है तो आपको सिस्टम अपडेट से काम नहीं करेगा, लेकिन आप इसे डाउनलोड करके अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल रिलीज है, लेकिन ये सिर्फ चाइना में रिलीज हुआ है। और इसे अपडेट करने का तरीका मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके नए फंक्शंस दिखा देता हूँ। सबसे पहला फंक्शन, अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है बैकलाइट ड्यूरेशन का। आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपके जो नीचे 3 बटन्स हैं जिनमें लाइट ऑन होती है वो कितने टाइम तक ऑन रहेगी। एक आप टच में ऑन रख सकते हैं, एक जब तक स्क्रीन ऑन है तब तक ऑन रहेगी, और एक वो उसकी लाइट हमेशा ऑफ ही रहेगी। ये आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन दिया है स्वाइप शॉर्टकट का। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अगर स्वाइप शॉर्टकट को हम ऑन करते हैं तो हमें एक आइकन मिल जाता है। इस आइकन पर अगर हम टैप करेंगे तो हमें कुछ शॉर्टकट्स मिलेंगे। ये हम किसी भी ऐप या किसी भी गेम वगैरह पे वर्क कर रहे हैं तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसे अगर एडिट करना है तो हमें सेकेंडरी मेनू में जाके एडिट कर सकते हैं कि किस क्लिक करने पे हमें क्या चाहिए। ये हम पूरा हमारे ऊपर है। और अगर हम जेस्चर्स मेनू आप ऑप्शन देख सकते हैं, जेस्चर्स है कि अगर हम इसे हम बाय डिफ़ॉल्ट सेट है कि नीचे करने पे नोटिफिकेशन बार आएगा। आप देख सकते हैं अगर मैं इसे नीचे की तरफ स्वाइप करता हूँ नोटिफिकेशन बार आ रहा है, ऊपर की तरफ करूँगा तो मेनू सेट है हमारा, मेनू आ जाएगा। इसी तरीके से आप बैक बटन करेंगे तो बैक में पहुंच जाएगा। ये आप ये भी मैनुअली डिफाइन कर सकते हैं जेस्चर मेनू में जाके। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन ऐड किया है इन्होंने अपडेट के बाद। एक अच्छा ऑप्शन है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। इससे पहले ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब आप 3 फिंगर्स स्वाइप करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन का, जबकि पहले आपको पावर बटन और वॉल्यूम कीज यूज करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है तो आप इस नए ऑप्शन का भी लुफ्त उठा सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो पानो सर्च यहाँ पर मिलता है। पानो सर्च आपका लॉन्चर पे काम करता है जब भी आप ऊपर की तरफ स्वाइप करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये यही सेट है और ये काफ़ी अच्छा काम करता है। ये इससे आप ऐप्स, कॉन्टैक्ट्स, जितनी भी चीज़ें आपके फ़ोन में हैं आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो, और तो और आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो पानो सर्च से। इसके बाद अगर हम लैंग्वेज इनपुट में जाते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे रीजन मेनलैंड चाइना सेलेक्ट है। इसे आप इंडिया कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेनलैंड चाइना में आपको लैंग्वेज इंग्लिश मिलती है और चाइनीज़, और आपको कोई एक्स्ट्रा एडवांस लैंग्वेज एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आप देखें तो ऑप्शंस एक डुअल ऐप का ऑप्शन ऐड किया है इन्होंने। डुअल ऐप में आप 2 अकाउंट चला सकते हैं एक ऐप के, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐप अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है तो पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन अभी तक इन्होंने सिर्फ एक ऐप का दिया है, वी चैट अवतार का, जिसे आप डुअल ऐप के तौर पर यूज कर सकते हैं। हो सकता है इंडिया में लॉन्च के बाद इसके और ऑप्शंस ऐड हो जाएं, वो फ़िलहाल अभी तो नहीं दिए गए हैं। और अगर हम देखें डिस्प्ले में जाएं तो हमें डिस्प्ले में फॉन्ट साइज़ मिलता है। फॉन्ट साइज़ आपको पहले 3 मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे 5 मिलते हैं। एक वेरी लार्ज का ऑप्शन है, एक स्मॉल ऑप्शन भी ऐड कर दिया है जो कि पहले नहीं था। और अब आते हैं अपडेट पे। अपडेट से पहले मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ, वो है पर्सनल हॉटस्पॉट में जो हम जाते हैं। अपडेट से पहले यहाँ पे हॉटस्पॉट एक्टिव करने का ऑप्शन था, लेकिन कनेक्टेड यूजर्स को चेक करने का और मैक्सिमम कनेक्शंस और हाइड वगैरह करने का ये ऑप्शंस यहाँ पे नहीं थे। लेकिन अब इन्होंने नया ऑप्शन ऐड कर दिया अपडेट में कि आप कनेक्टेड यूजर्स देख सकते हैं और सेट कर सकते हैं कि कितने यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं। 1 यूज़र या 8 यूज़र मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते। और आप अपने वाईफाई को हाइड भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये अच्छा ऑप्शन ऐड किया है इन्होंने नए अपडेट में। इसके बाद अब अगर बात करें अपडेट करने की तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक फ़ाइल का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और उस फाइल को पुट कीजिए अपनी फाइल मैनेजर में बिना किसी फोल्डर में। सिंपल उसकी जो जिप फाइल है उसे प्लेस कर दीजिए वहाँ पे और उसका रीनेम करके उसका नाम कर दीजिए अपडेट, तो उसका पूरा नाम हो जाएगा update.zip। और उसके बाद आपको जाना है अपने सिस्टम अपडेट में। आप देख रहे हैं 5.9 है, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट 5.8 दिखाता है बिना अपडेट के। यहाँ से आपको कॉर्नर में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और लोकल अपडेट चूज करना है। अभी देखिए मेरे में कोई फाइल नहीं पड़ी है इसलिए दिखा रहा है नो अपडेट पैकेज फाउंड, लेकिन अगर आप फाइल डाउनलोड करके उसका नाम update.zip कर देंगे तो आप यहाँ से लोकल अपडेट में नेक्स्ट दिखाने लगेगा कि पैकेज फाउंड, और आप नेक्स्ट कर सकते हैं।
आपके फ़ोन में एटलीस्ट 30% मिनिमम बैटरी होनी चाहिए, उसे ज़्यादा ही होनी चाहिए तो आपका फ़ोन अच्छे से अपडेट हो पाएगा। और आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, बाकी प्रोसेस ऑटोमेटिक कर लेगा, फ़ोन आपका रिस्टार्ट होगा और अच्छे से अपडेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑफिशियल रिलीज है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद मैं आपको एक और अच्छा ऑप्शन दिखा देता हूँ जो इसमें नए में ऐड किया गया है, वो है कॉल रिकॉर्डिंग का। बाय डिफ़ॉल्ट हम जब इंडिया में फ़ोन यूज़ करते हैं तो इंडिया में कॉल रिकॉर्डिंग फ़ीचर नहीं है, लेकिन चाइना में 5.8 में भी आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फ़ीचर मिलता है। अगर आप देखें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप से दिखा देता हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट नहीं ऐप सेटिंग से, ये फ़ोन कॉन्टैक्ट की अगर हम सेटिंग देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन येलो पेज का दिया हुआ है स्मार्ट नंबर रिकग्निशन का, जो कि आपके अनोन नंबर रिकग्नाइज कर लेगा। लेकिन ये इस समय चाइना में ज़्यादा बेटर काम करता है, इंडिया में बहुत अभी बेटर नहीं है क्योंकि लॉन्च नहीं हुआ है। और एक ऑप्शन देख सकते हैं आप, कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर ऐड किया है इन्होंने। कॉल रिकॉर्डिंग से आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, आप कस्टम नंबर्स भी चूज़ कर सकते हैं, ऑल पे भी कर सकते हैं, तो आपकी कॉल ऑटो रिकॉर्ड हो जाएगी सारी इनकमिंग और आउटगोइंग पे। ये ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया वाले वर्जन में नहीं मिलता था, लेकिन अगर आप उसमें भी लेना चाहें कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बिना अपडेट किए, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिस्टम सेटिंग में जाके आपको लैंग्वेज इनपुट में जाना है। लैंग्वेज इनपुट में आपको जो रीजन है, रीजन आपको इंडिया आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगा या फिर यूनाइटेड स्टेट हो सकता है, आपका सिंपल सा ऑप्शन है चाइना सेलेक्ट कर लीजिए रीजन में। अगर आप रीजन में चाइना करेंगे फ़ोन रीबूट मांगेगा, फ़ोन रीबूट कर दीजिएगा और उसके बाद आपको कॉल रिकॉर्डिंग फ़ीचर आपको वहीं सेटिंग में डिस्प्ले हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम ही इसी जगह पे कॉल रिकॉर्डिंग फ़ीचर आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नए एक और फ़ीचर की, जो सबसे अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है गैलरी का। गैलरी अगर आप ओपन करेंगे तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है रिसाइकिल बिन का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड लोकल रिसाइकिल बिन आपको दिया हुआ है, तो अगर आप गलती से फाइल्स अपनी डिलीट कर देते हो तो आप यहाँ पे ओल्ड रिसाइकिल बिन में जाके फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, वो फाइल्स आपको ओल्ड रिसाइकिल बिन में मिल जाएंगी। और ये ऑप्शन सिर्फ यही नहीं, अगर आप गैलरी ओपन करोगे तो भी आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आप दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए रिसाइकिल बिन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, आप रिसाइकिल बिन पर क्लिक करेंगे तो दिखा देगा नो पिक्चर्स और वीडियोज। आप यहाँ से अपनी रिसाइकिल बिन जो भी फाइल्स आप डिलीट करोगे पिक्चर्स और वीडियोज़, वो आपको यहाँ से रिट्रीव हो जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ 30 दिनों तक रहती हैं, इससे ज़्यादा कि आप नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा ऑप्शन दिया है कोलाज का। कोलाज है फ़ोटो स्टिकर है, स्टिकर स्टोर से आप स्टिकर डाउनलोड भी कर सकते हो, कोलाज से आप फ़ोटो कोलाज बना सकते हो मल्टीपल फ़ोटो सेलेक्ट करके। ये एक अच्छा ऑप्शन दिया है, आपको बाहर के इमेज एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम बात करें तो और एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि होम स्क्रीन से पहले हम लास्ट स्क्रीन पे जाते थे लेकिन हम एंड में नहीं जा पाते थे, अब हम स्वाइपर के एंड में भी जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, स्मूथ बना दिया है, लूप बना दिया है होम स्क्रीन्स का। और एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन दो पेजेस इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जो हम आई के व्यू से विजिबल और इनविजिबल कर सकते हैं, ये हम बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर आपको पसंद ना आए, चाइनीज़ लैंग्वेज में है तो आप इसे अनहाइड, मतलब यहाँ से हाइड कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। और अगर आप ये शॉर्टकट्स देखें तो शॉर्टकट्स में आपको मिलता है एक पे का ऑप्शन दिया है जिन्होंने, लीको ने अपना खुद का वॉलेट ऐड किया है, आप क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा खुद का वॉलेट ऐड किया है, इस वॉलेट से आप पे कर सकते हैं जहाँ भी चाहें। फिलहाल तो ये चाइनीज़ लैंग्वेज में है, हो सकता है इंडिया लॉन्च में, इंडिया लॉन्च के बाद ये सब इंग्लिश में आ जाए। और आप देखेंगे यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन दे दिया है, नोट्स का भी शॉर्टकट दे दिया है और बाकी ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट सेम हैं। अंत में मैं दोस्तों आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप जो मैंने स्टेप्स बताए हैं बिल्कुल सेम वही फॉलो कीजिएगा, फाइल को रीनेम कीजिएगा अपडेट नाम से और उसे पुट कर दीजिएगा फाइल मैनेजर में बिना किसी फोल्डर के अंदर, और लोकल अपडेट में जाके जब आप अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। एक और बात, मेरे मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कोई बग आपके में आ जाए जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जहाँ से डाउनलोड किया है वहाँ पे तो ऑफिशियल रिलीज लिखा हुआ था। आप जब यहाँ आप जब डाउनलोड करेंगे तो आप खुद भी वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपके में कोई मोबाइल में प्रॉब्लम होती है या कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी ब्लेम मुझे मत दीजिएगा, क्योंकि आपको स्टेप सही से फॉलो करने होंगे और जो भी करना है अपने रिस्क पर कीजिएगा। इसलिए हैव फन गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।